अगर आप अपने शोरूम, दुकान और गोदाम को चोरियों से बचाना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो जरूर देखें। मैं चलो भागो चलो आराम जादो निकलो तुम्हारी मांगी चला निकला से बताओ तुम्हें हमारी कंपनी लाइव मॉनिटरिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है जिसके अंदर हम आप ही की शॉप को पूरी रात लाइव देखते हैं सर और कोई भी हादसा होने से पहले ऑन द स्पॉट हम उसे रोक लेते हैं और आज तक भगवान की दुआ से एक भी ऐसा हादसा नहीं हुआ कि हमसे चूक हो गई और वहाँ हादसा हो जाए। बिल्कुल वो लोग चैन की नींद सोते हैं यही हमारा मकसद है। पूरे इंडिया में हम सर्विस दे रहे हैं और आज तक एक बार भी फेल नहीं हुए। 81 FIR तो बचाई है। वर्चुअली आपकी लोकेशन को देखते हैं और हर वो काम करते हैं जो कोई नहीं करता। होली दिवाली को छुट्टी नहीं और ज्यादातर जो क्राइम्स वगैरह होते हैं वारदात होते हैं वो रात में ही होते हैं। तो पूरा मॉनिटरिंग दे रखा है यहाँ पर सर का लाइव मॉनिटरिंग दे रखा है। A few inches later. आदाब अभिनंदन आभार मैं उमानस और स्वागत है आपका एक बार फिर से सफरनामा में। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा स्पेशल एकदम डिफरेंट होगी क्योंकि ये बेसिकली हम सिक्योरिटी से रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो लाए हैं। तो सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरास आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे और बहुत जगह इंस्टॉल्ड भी होते हैं लेकिन वो काम कब करते हैं जब कोई क्राइम हो जाता है जब कोई वारदात हो जाती है उसके बाद उनकी हेल्प ली जाती है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे सिस्टम और ऐसी सर्विसेज के बारे में बताने वाला हूं जहां पे क्राइम होने का कोई भी चांस ही नहीं है पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि कोई वारदात हो पाए और 2-3 सालों में इन्होंने 81 क्राइम को रोका है होते हुए। तो मैं आया हूं भी सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम पे और इनके तरह तरह के डिवाइसेज आते हैं शॉप्स के लिए कंपनीज के लिए जैसा आप चाहो हर जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के ओनर से जानते हैं सारी डिटेल्स और सारी प्रोडक्ट की जानकारी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम के ऑफिस के अंदर और यहां पे मैं इंट्रोडक्शन कराता हूं सर से। हेलो सर कैसे हैं? बस बढ़िया सर आप सुनाइए। बढ़िया सर क्या शुभ नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। ओके तो सर हमें अपने व्यूअर्स को बताइए कंपनी के बारे में थोड़ा सा क्या आप लोगों के प्रोडक्ट्स वगैरह हैं सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं आप लोग? तो सर बेसिकली हम लोग क्राइम होने को क्राइम होने से पहले रोकते हैं। ओके हमारा मकसद है क्राइम हो ही ना यानी चोरियां आप भी जानते हैं कि कितना क्राइम बढ़ रहा है आजकल। आज से नहीं शुरू से बढ़ता आ रहा है और लोगों के पास तरीका नहीं था कि रोके कैसे। लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा और ये बढ़ गया है। बढ़ गया है। देखो दो चीजें हैं हमें लगता है कि आज तक क्राइम होने के जो पुराने तरीके आ रहे थे कि सीसीटीवी लगवा लिया तो रुक जाएगा। बिल्कुल गार्ड रख लिया तीसरा पुलिस ये तीनों तरीके चोरी रोकने के नहीं है। नहीं है जैसे कैमरा सिर्फ आपको वीडियो प्रूफ देगा कि क्या हो चुका क्या हो चुका जो हो चुका वो तो हो गया आप बाद में एविडेंस ही देखोगे उस एविडेंस का व्हाट्सएप पर सब खेलोगे और जब न्यूज की ज्यादा से ज्यादा सुर्खियां बनोगे। लेकिन जो क्राइम होना था हो चुका जो नुकसान होना था वो तो हो चुका पुलिस भी क्राइम होने के बाद ही आएगी। दूसरा आता है गार्ड। गार्ड आप रखते हो लेकिन गार्ड भी एक इंसान है। 99% गार्ड पहले तो सो रहे होते हैं आप कभी रात को चल के देखिएगा ज्यादातर गार्ड सो रहे होते हैं और जाग भी रहा है तो गार्ड क्या इतना फिजिकली परफेक्ट है के चोरों से भिड़ जाए गन के सामने पिस्टल के सामने चाकू के सामने कुछ नहीं कर सकता। तीसरा आता है आपका पुलिस। पुलिस को आप फोन तब करते हो जब नुकसान हो चुका होता है। बिल्कुल ठीक बात। पुलिस के हर दरवाजे पे हर वक्त थोड़ा खड़ी रहेगी तो हम लोग पुलिस को तब फोन करते हैं कि नुकसान हो चुका आ जाओ। लेकिन जो होना था तो हो चुका अब तो कोर्ट कार्रवाई मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान भरोसे और पकड़ा भी गया तो उसके बाद भी कोर्ट कानूनी कार्रवाइयां बहुत लंबी होती है आपका माल आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ठीक बात है। और रह गया इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी अगेन चोरी के बाद का प्रोसेस है मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी क्या फॉर्मेलिटीज मिलेगा कितना परसेंटेज मिलेगा क्या फॉर्मेलिटीज है वो कोई नहीं जानता। वो जो झेल चुका उसे पता है कि इंश्योरेंस लेना कितना मुश्किल है। हमने एक प्रोसेस बनाया जिस प्रोसेस के साथ हम क्राइम होने ही नहीं देते होने से पहले ही रोक देते हैं। राइट अभी तक विद वीडियो प्रूफ हम 81 चोरियां और बहुत सारे अलग अलग तरह के क्राइम होने से पहले रुक चुके हैं और अभी तक आज तक फेल नहीं हुए। सर हमारी कंपनी लाइव मॉनिटरिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है जिसके अंदर हम आप ही की शॉप को पूरी रात लाइव देखते हैं सर और कोई भी हादसा होने से पहले ऑन द स्पॉट हम उसे रोक लेते हैं। इसमें क्या होता है सर हम आप ही की शॉप के बाहर एक अपना सेटअप लगाते हैं जिसके अंदर कैमरा साउंडर लैंड वायर इलेक्ट्रिक वायर विद SD कार्ड प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो जाती है और शार्प 11:30 आपकी शॉप की मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाती है और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है
जिसके अंदर आप और आपके जो भी रिलायबल पर्सन है वो ऐड होते हैं, प्लस हमारी मॉनिटरिंग टीम ऐड होती है। तो सर आपको ऐसे नंबर ऑफ वर्चुअल गार्ड्स मिलते हैं जिन्हें ना तो चोर देख सकते हैं, ना रोक सकते हैं, ना वो गार्ड बीमार होते हैं, ना सोते हैं, ना कोई छुट्टी लेते हैं। आपको पूरे 365 दिन की सर्विस मिलती है, तो आपकी शॉप पूरी तरीके से सिक्योर्ड है। हम पूरी रात उसको लाइव देखते हैं। सर हम लोग वर्चुअल गार्ड प्रोसेस करते हैं। वर्चुअल गार्ड यानी हम आपकी लोकेशन को वर्चुअली यहाँ से बैठ के पूरी रात बैठ के देखते हैं। हमारी पूरी टीम बैठ के आपकी अलग लोकेशन मेरी लाइव मॉनिटर करती है, लाइव मॉनिटर करती है बिल्कुल लगातार जी। और मकसद ये है कि हादसा हो ही ना, हादसा ना हो। मैं फिर वही बात को दोहराऊंगा कि हर हादसा रोका जा सकता है अगर उस हादसे को होने से पहले कोई देख रहा हो, ठीक है जी, बिल्कुल। दूसरा उसके बाद रोकने के कुछ गैजेट कुछ हथियार हो। तीसरा उसको अपनी जान का डर ना हो कि मुझे उल्टा को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि जितने भी सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरास वगैरह होते हैं जी वो बेसिकली तभी आप देखते हैं जब कोई हादसा या क्राइम होया हो चुका होता है। वो बेसिकली रिकॉर्डिंग है, आप उसे सिर्फ एविडेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, व्हाट्सएप खेल सकते हो, दुनिया भर की वीडियो घूमेगी, देखो जी यहाँ चोरी होगी वहाँ हो गई, लेकिन वो तो हो गया ना जो होना था। बिल्कुल ठीक, वो जो होना था वो हो चुका। अब इस प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ बैठे बिना अपनी जान को रिस्क में डाले हम उस लोकेशन को पूरी रात बैठ के देखते हैं। अब उस लोकेशन पे कोई भी आया तो वो क्या करने वाला है उस चीज को हम जजमेंट करते हुए डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या एक्शन लेना है। अच्छा, अब वो चाहे रेप हो, मर्डर हो, किडनैपिंग हो, आग लग रही हो, कोई एक्सीडेंट है। अच्छा सर, आप ये कैसे जज करते हैं कि बेसिकली अगर कोई खड़ा है मान लीजिए किसी साइट पर जी, तो जैसे मान लीजिए कोई अगर वो अपना ही बंदा भेजा हो। देखो दो चीजें हैं, पॉइंट नंबर वन, जब हम लोकेशन को रोज देख रहे होते हैं, हाँ जी, एक साइट पर लग गया उसको दो चार दिन लगातार देखा, बिल्कुल ठीक, देखते देखते पता चल जाता है इस साइट की मूवमेंट क्या है पूरी रात में। अच्छा, क्या यहाँ पे कभी कोई आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो क्या करने है? अब जैसे देखिए यहाँ पे एक बंदा आया, इस साइड पे हमें ध्यान रखना है गाड़ियों का। ओके ठीक है, अभी बंदा अरे गाड़ी हिट हो गई क्या यहाँ पे सर? 1% हाँ देखो कोई दिक्कत नहीं, उठ के बैठो। अब उनसे बात की जा रही है, बिल्कुल, बंदा कौन है, क्या आया है, जो जो उस लोकेशन पे है, ये चीज की इन्फॉर्मेशन उस पार्टी को भी दी जाएगी। तो मतलब पूरी रात आप लोग कोई भी प्लेस को मॉनिटर करते हैं, देखते रहते हैं, पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है सर की। सर बहुत अच्छे से हम लोग, हमारे दो सेटअप है, यहाँ एक दूसरी जगह जी, दो लोकेशन से हम लोग इस चीज को हैंडल करते हैं। ओके, आज अब हमारे एक मॉनिटर सेंटर पे खड़े हैं। अब हमारे अलग लोकेशन इंडिया में कई जगह पे है, सिर्फ दिल्ली में नहीं है, दिल्ली, NCR, आगरा, जयपुर, औरंगाबाद, ऑल ओवर इंडिया बेसिकली आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। डू एनीवेयर, ओके, एनीवेयर। हम यहाँ बैठे मुद्दे की बात, अपनी जान को जोखिम में डाले बिना हम उस लोकेशन को देख सकते हैं और होने वाले हादसे को, वो हादसा कुछ भी हो सकता है, उसको होने से पहले रोकते हैं। अच्छा थोड़ा मैं टेक्निकल पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे मान लीजिए कोई कैमरे से आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी हादसे को होने से कैसे टाल सकते हैं, मतलब कैसे वो रुकेगा? हाँ मैं बताता हूँ, नॉर्मल सीसीटीवी कैमरा सिर्फ देखते हैं जी, आप ऐड देखते होंगे, ऊपर वाला देख रहा है, लेकिन वो ऊपर वाला सिर्फ देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है, वो रुक नहीं सकता। उस वाले हमारे सीन में क्या, हम अपने सेटअप को हमने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि हमने वहाँ कैमरे के साथ साथ एक साउंडर और कुछ और सेटअप लगाया हुआ है। ओके ठीक है, तो यानी उधर की हर आवाज मैं यहाँ बैठे सुन सकता हूँ। वहाँ बैठी, एक सेकंड, शायद वहाँ कोई मूवमेंट है, वहाँ पे उस लोकेशन पे जो भी हो रहा है, जैसे भैया यहाँ पे अभी बोल रहे हैं, हाँ कुछ लोकेशन पे कुछ मिसअप ने दिखी होगी जी जी, तो वो एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो सकता है। मान लीजिए जैसे आपने शोर मचाया, स्पीकर से आवाजें आई जी, और बंदा नहीं रुक रहा है, तो उसके बाद आप फिर इन्फॉर्म करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन आज तक हमें एक बार भी जरूरत नहीं पड़ी कि हमें पुलिस को फोन करना पड़े। अच्छा, क्योंकि एज ए क्रिमिनल अगेन सर, जो चोरी करना है उसके मन में डर होता है कि ठीक बात है, अभी क्राइम किया नहीं, अभी तो करना है, उससे पहले ही हमने शोर मचा दिया तो कहता है आज जरूर आजी करनी है, वो भाग जाता है। चोर को डर हो जाता है कि मुझे कोई लाइव देख रहा है, तो उससे काफी फर्क पड़ता है, उसे नहीं पता ना हम कहां से क्या कर रहे हैं, क्या क्या करेंगे। अभी उसने शटर नहीं तोड़ा, अभी उसने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने पहले शोर मचा दिया, तो शोर का डर बहुत कम, बहुत तेज लाउड स्पीकर होता है वहां पे, और साथ में सायरन, पुलिस सायरन वगैरह सब कुछ करते हैं। हमने बहुत सी अलग अलग तरह के क्राइम्स रोके हैं, ना कि चोरी, पेट्रोल चोरी रोका है, टायर चोरी गाड़ियों के करने वाले वो रोके हैं, मतलब गाड़ी चोरी रोकी है, बहुत सी अलग लड़ाई झगड़े होते हैं, कई ऐसे होता है कि काफी क्राइम को होने से सर ने बचाया है, तो देख सकते हैं काफी अच्छा बेसिकली यहाँ पे सर्विसेज और सिक्योरिटी सिस्टम सर ने लगा रखा है।
पूरे इंडिया में हम सर्विस दे रहे हैं और आज तक एक बार भी फेल नहीं हुए। 81 FIR तो बचाई है। बिल्कुल ठीक बात है सर। जिनके वीडियो प्रूफ मेरे YouTube चैनल पे सारे अवेलेबल हैं कि कहां कहां कैसे हमने चोरी बचाई। और अगर मैं इसको टाइम लिमिट की बात करूं तो कितने टाइम में आपने बचाए हैं सर? सर अप्रोक्सीमेटली दो ढाई तीन साल में आपने 81 क्राइम्स को होने से बचाया है, ये सबसे अच्छी बात है आपकी। अब भाई इतने लोगों का फायदा करा पाए हैं। कई तरह की और सर्विसेज हम, जैसे कि जो हमारा काम नहीं भी वो भी हम करते हैं। जैसे किसी साइट पे एक हमारे साथ हादसा देखा था कि एक लड़की को दूसरा बंदा मार रहा था, उसको हमने रोका। बिल्कुल ठीक है। वीडियो प्रूफ भी है। एक जगह किसी का मर्डर तो नहीं था लेकिन हाँ उसका काफी खून बह रहा था, फिर उसको टाइम से हॉस्पिटल बचाया। ओके। कोरोना टाइम में हमने बहुत काम किए, जैसे लोगों को घर भेजा, जो लोग घर छोड़ के जा रहे थे दिल्ली से, आपने देखा होगा कि सब जा रहे हैं बाहर, तो हमने यहाँ से स्पीकर पर उनको समझाने की कोशिश की। ओके। मतलब वो काम भी किए जो हमारे नहीं थे लेकिन हमने किए। कोशिश करते हैं कि हर चीज की जा सके और टाइम से लोगों की हेल्प की जा सके। बिल्कुल ठीक बात है। ओके मैम, गुड इवनिंग। बाय। चल भाई हम लोग जल्दी आ जाओ। आ गई आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, चल 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 चल। हेलो सब देखना है क्या हो रहा है। एक्शन लो एक्शन। मेरी पूरी नजर है, अगर आप भी के अभी आगे गाड़ी हो रही तो नतीजे के लिए तैयार रहना। एक सरकार का सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम लगा था तो आज जान बच गई। हम चाहेंगे कि ये वीडियो गवर्नमेंट तक पहुंचे, अगर आप जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, और अगर आपका कोई लिंक है तो सरकार तक ये वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि मेरा असली मकसद वो है कि मैं उस क्राइम को भी रोक सकूं कि जब आपको FIR कराना ही ना पड़े। बिल्कुल ठीक बात है। आपको 100 नंबर पे कॉल ना करना पड़े, उससे पहले ही हम देख रहे हो कि इस लोकेशन पे ही होने वाला। पुलिस की जरूरत पड़े ही ना, मतलब वो नौबत ही ना आए कि हम पुलिस को कॉल करें। पुलिस की जरूरत पड़ेगी लेकिन हम FIR करने के लिए या पुलिस को 100 नंबर कॉल करने के लिए आपकी जरूरत ना पड़े, हम उससे पहले एक्शन यहीं से, हम उस 100 नंबर का काम हम करें। और हम उस, जैसे मैं किसी साइट को देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो मैं पहले ही पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके मैं चीज कर सकता हूँ। आई हैव द टेक्निक एंड ऑल थिंग, बट उसके लिए मुझे गवर्नमेंट के साथ एक अप्रूवल और एक सेक्शन होना पड़ेगा कि गवर्नमेंट मुझे इस चीज की अप्रूवल दे और मेरे साथ सपोर्ट करे। सर मैं अगर लोकेशन की बात करूं तो ये सर्विसेज आप कहां कहां दे सकते हैं? ऑल ओवर इंडिया, हर जगह? ऑल ओवर इंडिया कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर अच्छे तरीके से, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई इशू नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई कहीं भी सर्विसेज चाहिए, फिलहाल ऑलरेडी मेरे कई डीलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में है। आप अनंतनाग में भी कहेंगे तो कल ही सेटअप लगवा सकता हूँ ऐसे ही, क्योंकि ये सारा वायरलेस सिस्टम है, कहीं से भी आप इसको ऑपरेट करवा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जी जी जी, हमारे डीलर्स ऑल इंडिया ऑलमोस्ट 150 के डीलर हैं। ओके। और तेलंगाना में लगना हो आज लग जाएगा, इधर ऊपर कश्मीर में अनंतनाग में भी लगना हो तो वहां भी लग जाएगा। आप जिस तरह राजस्थान के बाड़मेर से लेकर कहीं भी आप चाहेंगे आपको सर्विस मिलेगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम वर्चुअली आपकी लोकेशन को देखते हैं और हर वो काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। होली दिवाली को छुट्टी नहीं, कोई 365 दिन वर्किंग दे रखी है, बहुत अच्छी बात है बेसिकली, पिछले 2 साल से। और ज्यादातर जो क्राइम्स वगैरह होते हैं, वारदात होते हैं, वो रात में ही होते हैं, तो पूरा मॉनिटरिंग दे रखा है यहाँ पर, सर का लाइव मॉनिटरिंग दे रखा है, कहीं से भी कोई भी चूक नहीं होने वाली है यहाँ पर। कहीं भी इंस्टॉल कभी करवाना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है? इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों रिक्वायर्ड है। उसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं कि कैसे, अगर आपका इंटरनेट नहीं है तो इंटरनेट लोकली लगवा सकते हैं, वो नहीं है तो आजकल मॉडेम मिल जाते हैं सिम बेस्ड। ओके। आप सिम बेस्ड मॉडेम लगाइए, जियो हो चाहे
चाहे वोडाफोन हो चाहे एयरटेल हो, जिसका सिग्नल सही आ रहा है उसके थ्रू नेट मिल जाएगा। ओके, बाकी सारी गाइडेंस हम आपको देंगे कैसे क्या होगा। हाँ। और हर चीज अवेलेबल करा दी जाएगी। अगर आप इस सिक्योरिटी सर्विस को लेना चाहते हैं आप हमारे कस्टमर के नंबर पर कॉल कीजिए, उस पर आपको पूरी डिटेल तरीके से बताई जाएगी। मेरा यूट्यूब चैनल है, उस चैनल के ऊपर मेरे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ हमने चोरी रोकी, कहाँ कहाँ हमने हाथ से रोके, कैसे रोके, क्या रिव्यूज है, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। ये सर्विस लेते हुए 1.5 साल हो गए जितेंद्र जी से, 1 नवंबर 2019 से। तो 1.5 साल जब इन्होंने मुझे डेमो दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये ऐसा चौकीदार है जो सोता नहीं, और इनका मेन मुझे बेनिफिट रहा लॉकडाउन के अंदर। लॉकडाउन के अंदर लोग बहुत परेशान थे अपनी दुकान की सिक्योरिटी को लेके, मगर इन्होंने मुझे रात के बदले में दिन में भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कई जगह में इसको रिकमेंड भी किया। मैं नॉर्थ दिल्ली एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ ज्वेलरी का जी, और मैंने कई ज्वेलर्स पे मतलब इनको भेजा कि भाई आप अपना निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि ये जो आप पैसे दे के 20,000 रुपये महीना दे के भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं ले सकते। बिल्कुल, तो मैं तो बहुत खुश हूँ इससे, और मैं सभी को चाहूँगा कि अपनी सिक्योरिटी के लिए थोड़े से पैसे जरूर खर्चो। मेरा नाम अरुण बत्रा है जी। सर्विसेज के बारे में कहें तो हम सुरक्षा सिक्योरिटी को आज से 3-4 साल पहले से जानते हैं जी। जब इन्होंने शटर पे सायरन का काम शुरू किया था हम तब से वो इनका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। ओके, फिर थोड़े टाइम बाद हमें पता चला कि इन्होंने लाइव मॉनिटरिंग की भी सर्विस स्टार्ट की है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये जागते हैं तो फिर हम सो पाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये इनकी जो लाइव मॉनिटरिंग है वो रात को 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक चलती है राइट। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अगर उससे पहले हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे हमारे वेयर हाउस में भी और हमारे शोरूम में भी, तो अगर प्राइस वाइज कंपेयर किया जाए तो ये बिल्कुल हाफ प्राइस पड़ता है। बिल्कुल, और उसके लिए गार्ड रखने में एक ये भी प्रॉब्लम होती थी कि आपके गार्ड के होते वक्त भी आपको प्रॉब्लम होने की पूरे चांसेस होते थे, क्राइम होने के चांसेस, क्राइम होने के पूरे चांसेस लगते थे, कभी वो सो गया कभी वॉशरूम चला गया, तो सब चीज़ें होती हैं। बस यही हमारे घर में हमारे फादर का काम रहता था कि एक चौकीदार के ऊपर एक वो भी चौकीदार बने रहते थे जो हर थोड़ी देर बाद उठ के देखते थे कि वो सो रहा है या वो जाग रहा है, वो अपनी जगह पे है या नहीं है, बेबी है या नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब इनके आने के बाद इनकी सर्विसेज लेने के बाद अब वो हमारे को इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम सोते हैं आराम से और ये जागते हैं। तो सर दूसरों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, लोगों को लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए? बिल्कुल लगवाना चाहिए। ठीक है, मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि लगवाना चाहिए, आपके पैसे भी बचते हैं और आप आराम से सो भी पाएंगे, हाफ रेट में काम भी हो रहा है, हाफ रेट में काम हो रहा है। बिल्कुल। हाँ जी सर, मेरा नाम करण कुमार है जी, फैब स्टोरी मेरी शॉप है, एंड सर से सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम से मैं 1.5 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली मैंने से जुड़ा हुआ हूँ जी, एंड मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ उनके सर्विसेज से। ओके, मैंने ये सोचा था कि प्राइमरीली कि मैं सिक्योरिटी गार्ड रखूँगा अपने शोरूम के लिए, क्योंकि मेरी लोकेशन थोड़ी सी मेन रोड के ऊपर पड़ती है, तो बट जब से सर ने मिला हूँ सर से मुझे बताया कि नहीं आप एक बार हमारा सिस्टम ट्राई कीजिए, आपको आई एम श्योर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो मतलब मुझे आज तक कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं सिक्योर इनसिक्योर हूँ, मतलब रात को आई कैन स्लीप इजली, कोई टेंशन नहीं होती है, टाइमली अपडेट्स आ जाते हैं। बाकी इनकी वॉचफुल आईज के अंदर तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, किसी को भी नहीं आएगी। हाईली रिकमेंड करूंगा कि यू शुड ट्राई, ऑल ऑफ यू शुड ट्राई, जिनके भी ओनर्स जो भी ओनर्स हैं शॉपकीपर्स हैं, यू शुड ट्राई, देयर सर्विसेज अच्छी हैं, आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम आपको भी नहीं आएगी। आजकल दिल्ली में जो माहौल है उस हिसाब से थोड़ा सा सिक्योरिटी के ऊपर भी आई थिंक शॉपकीपर्स को जैसे सभी को क्राइम वगैरह बढ़ गए हैं तो ये सर्विसेज देना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको स्पेंड करना चाहिए इसके ऊपर, बिकॉज़ आपकी शॉप की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। मेरा सिग्मन रेडियो के नाम से 4 स्टोर्स हैं कालका जी अराउंड, और हम लोग सुरक्षा का जो ये लाइव जो मॉनिटरिंग करते हैं उसको करीब पिछले 2.5-3 साल से यूज़ कर रहे हैं, और सब जगह पर बहुत अच्छा इनका सिस्टम है, सारे स्टोर पे लगाया, सब स्टोर पे लगाया, इवन 10 दिन में एक बार ही वो लोग चेकिंग करने आते हैं, बंदा मूव करता है शटर के आगे, उधर से बंदा आवाज़ मारता है कौन, तो चेक हो जाता है कि हाँ कि उस पर ध्यान रखा जा रहा है। और मतलब मेरे हिसाब से एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, क्यों, क्योंकि मेरी एक स्टोर पे एक बारी चोरी बची सिर्फ सुरक्षा की वजह से, क्योंकि उस स्टोर के ऊपर चोर आए, उन्होंने कैमरे मेरे भी लगे हुए थे, सुरक्षा का भी लगा हुआ था, तो मेरे कैमरे तो तोड़ दिए, सुरक्षा वाला तोड़ा, बट वो देखता रहा उसको, जब उन लोगों ने मॉनिटर किया तो उसके अंदर उन्होंने उसको कॉल भी करा, उसको बोला भी कि भाई पुलिस आ रही है, और सायरन बजा दिया जिससे कि वो चोर भाग गए। तो मैं जब तक पहुंचा इन्होंने मुझे भी इन्फॉर्म किया, मैं पहुंचा तब तक सब भाग गए थे और हम बच गए। बिना चौकीदार के इससे अच्छा गार्ड
कोई नहीं उस्ता, क्योंकि वही लोग बाद में किसी और दुकान पे गए, वहाँ चौकीदार को मारा भगाया और वहाँ लूटपाट कर ली। तो ये बहुत बढ़िया एक कंसेप्ट है जो कि आज की डेट में सबको, जिनके पास कीमती सामान है, ज्वेलर्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाले हो गए, तो उनको ये लगाना चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूँ। सालों से लोग हमारे साथ जुड़े पड़े हैं और आज तक भगवान की दुआ से एक भी ऐसा हादसा नहीं हुआ कि हमसे चूक हो गई और वहाँ हादसा हो जाए। बिल्कुल, वो लोग चैन की नींद सोते हैं, यही हमारा मकसद है। काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि 3 साल से बेसिकली सर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस सर्विस को ऑप्ट कर सकते हैं और अपनी जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, आप उसको सेफ एंड सिक्योर बनाइए। कि हमारा टेस्टिंग का बंदा पूरी रात काफ़ी लोग 40-50 या उससे ज़्यादा लोकेशंस के ऊपर रेंडमली विजिट करता है। अच्छा, बिना किसी को बताए यूनिफॉर्म में होगा। ओके, वो सिर्फ स्क्रीन पे खड़ा हो जाएगा, मतलब वो चेक करने के लिए जाएगा बंदा। उनको चाहिए, देखो मेरा मानना है कि ये लोग 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, इन्होंने 10 साल तक मॉनिटरिंग की, सब कुछ किया, लेकिन जिस दिन हादसा हुआ उसी दिन कुछ नहीं किया, उसी मिनट नहीं किया, तो उसको क्रॉस चेक कैसे किया? टीम का बंदा वो विद यूनिफॉर्म वहां जाएगा और साइट पे जाके खड़ा हो जाएगा। अगर एक मिनट, मतलब जैसे एक मॉक टेस्ट होता है उस टाइप का, एक मॉक टेस्ट सर कर रहे हैं डेली बिना मतलब, यहाँ किसी को नहीं पता कि किस साइड पे कितने बजे कितने बार आएगा। अच्छा, एक ही साइड पे कई बार भी आ सकता है। क्या बात है, यू कांट मिस द साइट, यू कांट मिस द अपॉर्चुनिटी, कहीं से कोई भी चूक ना हो। बिल्कुल बिना नागा, बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हमने बना रखे हैं जिसके थ्रू हम उसको चेकिंग करते हैं कि बंदा एक्शन टाइम से ले, फिर उसकी स्पीड बनी रहे बेसिकली। अब मान लो जैसे आपने देखा होगा न्यूज में आता ना कि जिस दिन हथियार उठाया, सालों से हथियार चलाया नहीं, आज उठाया तो जंग लगी हुई है। बिल्कुल, तो हम लोग रोज उसको समझो अपने हथियार को तैयार रखते थे, और हम आपकी लोकेशन पे पूरी नजर रखेंगे, पूरा एक्शन लेंगे और बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसेस में हम आपको सर्विसेज देते हैं। ओके, अगर इन सर्विसेज को कोई लेना चाहे तो क्या कॉस्ट उसको पे करनी पड़ेगी, कितना चार्जेस वगैरह पड़ता है? उसकी डिटेल के लिए आप, मेरा कस्टमर का नंबर है 8800191932, आप इस पे कॉल कीजिए, हम आपको प्रॉपर पूरी डिटेल देंगे। इवन मैं एक बहुत अच्छा ऑफर लोगों को दे रहा हूँ आपके वीडियो के माध्यम से, आप कॉल कीजिए, समझिए मैं ये, लेकिन ये ऑफर सिर्फ दिल्ली NCR में हो पाएगा जी। आप ट्रायल लीजिए हमसे, अच्छा हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे। आप इस वीडियो के नाम से मेरा सिस्टम सुनिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे 4 दिन के लिए, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, मेरे टेक्नीशियन आएंगे, आके लगा के जाएंगे, आपसे कुछ नहीं लेंगे, 4 दिन की फ्री सर्विस देंगे। अगर आपको इन 4 दिनों में हमारी सर्विस से लगे कि हाँ यार इससे बेटर कुछ नहीं है, ये बेस्ट है जी, तो सर्विस लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। तो किसी का भी बिजनेस हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो सिक्योरिटी अगर आप लोगों को ऑप्ट करनी है यार, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर सर्विस कोई आप लोगों को दे पाएगा, जहां पर आप लोगों की रात भर मॉनिटरिंग चल रही है। ये देख सकते हैं जैसे इस तरह से पूरी टीम मॉनिटर करती है, देखती रहती है कि हर एक एक लोकेशन पे क्या क्या हरकतें हो रही हैं, तो उससे क्राइम को पूरा रोका जा सकता है, यहाँ पे क्राइम होने के कोई चांसेस है ही नहीं। हम स्टेट को क्राइम फ्री करना चाहते हैं। बिल्कुल, टचवुड अभी तक भगवान ने साथ दिया है और आगे भी साथ बना रहे। मैंने जो आपको वीडियो बोला कि जो अपने गवर्नमेंट को एक अपना ये एंगल भी कि इस कैमरे से ये भी चीजें की जा सकती हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, मैं चाहूंगा अगर आपके किसी भी तरह की सरकार में, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे केजरीवाल सरकार हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर आपके लिंक है तो ये बात वहां तक पहुंचाइए कि हम इस सर्विस से आपके शहर से क्राइम खत्म कर सकते हैं। खत्म ना कर पाए तो बहुत लोग कर देंगे यार, एक भी लड़की बच गई, एक भी इंसान बच गया, एक भी इंसान टाइम से हॉस्पिटल पहुंच गया, यही समझिए। अब हम रात भर देख रहे हैं एक्सीडेंट होते हैं ना, लोग क्यों मर जाते हैं, टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंचते। हमने उसको अगर टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो इससे बढ़िया क्या चाहिए। बहुत बढ़िया, तो दोस्तों ये कुछ हमने आप लोगों को सुरक्षा के सर्विसेज के बारे में बताए जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल दे रखे हैं, और आप देख सकते हैं कि बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के कोई भी क्राइम को रोका जा सकता है, कोई भी यहाँ पे अपराध नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप लोगों के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक दबा देना, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, और जो भी मेरे चैनल पर नए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे भाई एक लाल कलर का बटन होता है उसको दबाना होता है, उसके बगल में घंटी का ऑप्शन होता है तो टर्न करके उसको मार दिया करिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान ना करिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफरनामा। धन्यवाद।